हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑर्डिनेट्स इज। फोर ऑप्शंस आर गिवन। क्वेश्चन में मैं क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व कहां से पास कर रही है, 1,1 से पास कर रही है, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट। इसे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल है हमारा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, एक्स इंटू वाई के इक्वल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है, एक्स इंटू वाई के इक्वल है। सेपरेट करेंगे वेरिएबल को तो हमारे पास आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, और दैटली हमने इसको इंटीग्रेट भी किया है, एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो 1/y इसका इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बिकॉज कर्व हमारा कहाँ से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। एल एन वाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस, ये हमारा 1/2 है, तो -1/2 के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 1/2, दैट इज दिया जाएगा 2 ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारा कर्व होगा, तो ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 ln, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू रीड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।